अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम YouTube फैमिली और मेरे तमाम व्यूअर्स खैर खरीत से होंगे। व्यूअर्स, आपको मेरे चैनल ब्यूटी टिप्स एंड एक्टिविटीज़ बाय समीना पे खुश आमदीद है। आज आपके साथ डॉक्टर रैशल की प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जी रिव्यू की तरफ, देखते हैं जी कि इसके बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है। अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है, ये इस तरह का बॉक्स आपको मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। और देखते हैं कि जी इसके ऊपर क्या क्लेम किया है कंपनी ने। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि ये ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस सीरम है, और एंटी एजिंग है, ब्राइटन है, फर्मिंग करता है, रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को। इस तरह का बॉक्स होगा। इसके अलावा इसके बैक साइड पे देखें जी, इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि ये सीरम जो है बहुत लाइट है और हाईली इफ़ेक्टिव है। ये हमारी स्किन पे जो स्पॉट्स होते हैं उनको भी फेड करता है, रिफाइन करता है हमारी स्किन के टेक्सचर को, रिड्यूस करता है हमारी स्किन की जो पे जो रिंकल्स पड़ जाती हैं और उनको मिनिमाइज़ करता है। और इसके अलावा इसके बहुत से बेनिफिट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इन्ग्रीडियंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि अप्लाई आपने कैसे करना है। आपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है, सुबह लगाना है और फिर शाम को लगाना है। दो टाइम आपने इसको यूज़ करना है, आप चाहें तो इसको तीन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। आप कोई भी अच्छी सी किसी भी कंपनी का अच्छा सा क्लींजर ले ले, लेकिन आपने अगर इसका अच्छा रिजल्ट चाहती हैं तो पहले फेस को अच्छे से क्लीन करके फिर आप इस मास्क इसको सीरम को सॉरी यूज़ करना है आपने। इसके अलावा आपने मसाज करना है और फिर आपने सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करना है ताकि ये अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। ये जी हर तरह से स्किन के लिए सेफ़ है। एक और अच्छी जो इसकी बात है वो ये है कि ये आपको एज अ प्राइमर भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। मेकअप करने के से पहले अगर आप इसको इस सीरम को लगा लेती हैं तो ये बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को मेकअप के जो बुरे असरात पड़ते हैं जिनकी वजह से स्किन अगर डैमेज होने का ख़तरा होता है तो ये आपकी स्किन को सेफ करता है। वार्निंग वगैरह इसके ऊपर लिखी हुई है। तमाम बातें जो हैं वो बॉक्स की बैक साइड पर लिखी हुई थी, मैंने आपको सारी जो है ना वो बता दी हैं। इस तरह का ये एक बॉक्स होगा। इसके अंदर से आपको इस तरह का एक बुक भी मिलेगी, पम्फलेट सा मिलेगा जिसके ऊपर डॉक्टर रैशल की बहुत सी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी होंगे, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। और ये इस तरह का जो ये सीरम है जो कि इसके अंदर मौजूद होगा, इस तरह का इसके ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ होगा और इसके ऊपर भी यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने बॉक्स के ऊपर पढ़ा कि ये एंटी एजिंग है, ब्राइटन है। तो बड़ा लाइट सा जो इसके अंदर सीरम है, बिल्कुल भी इसकी वो नहीं है, स्मेल नहीं है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे से ये वर्क करता है स्किन पे। एक वीक में आपको इसके रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्राइटनेस आपकी स्किन पे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फाइन लाइन्स के लिए आपको तकरीबन एक माह से डेढ़ माह तक यूज़ करने के बाद आपको फिर फील होना शुरू होगा कि आपकी स्किन पर जो फाइन लाइन्स है वो भी कम होना शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल भी इसकी कुछ ऐसी ख़ास स्मेल नहीं है, चिपचिपाहट सी नहीं है कि आपको इरिटेट करे। प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त है। 550 रुपीज़ में, 550 रुपये में आराम से ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। डॉक्टर रैशल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं और बहुत अच्छा ब्रांड है। आप अगर आपको मुनासिब प्राइस में मार्केट में फेस सीरम मिल रहा है जो कि अच्छे से वर्क भी कर रहा है, आपको ब्राइटनिंग भी दे रहा है और एंटी एजिंग भी है, तो फिर तो ये 30+ ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छा सीरम है। क्योंकि जब आप थोड़ी सी आपकी एज ज़्यादा होना स्टार्ट होती है, आप 30 से अबव होते हैं, तो आपको फिर ब्राइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स जो होती हैं उनको भी टेंशन होती है कि उनको भी रिमूव किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों काम करता है, आपकी स्किन को वाइट भी करता है, ब्राइट करता है और इसके साथ साथ फाइन लाइन्स को भी रिमूव करता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छा सीरम है, बहुत मुनासिब प्राइस में मिल रहा है, तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें और फिर मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये इस तरह से आपने घुमा के तो इसको खोलना है और उसके अलावा जो है ना ये आप लोग देख लें, आपने इसको जब पंप करना है इसको तो फिर एक ड्रॉप जो है ना वो आपकी स्किन पे इसके लिए काफ़ी होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा
और किसी किस्म की आपको चिपचिपाहट नहीं फील होगी। इसके अलावा डॉक्टर रैशल का जो है ना वो क्लींजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का को देखेंगे तो आपके साथ मैं डॉक्टर रैशल का फेस क्लींजर भी शेयर करूँगी, बहुत अच्छा वो भी है। आप इस विटामिन सी के सीरम के साथ उस क्लींजर को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे आप इसके साथ कोई भी क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसी कंपनी का फेस क्लींजर भी यूज़ किया जाए तो आप इस विटामिन सी के जो सीरम से बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को बहुत ब्राइटन करता है और बहुत स्मूथ बनाता है, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।